हेलो, माय नेम इज़ रिकिता और मैं सची सहेली एनजीओ से हूँ। सची सहेली एनजीओ दिल्ली बेस्ड एनजीओ है और हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर काम करते हैं, इसकी अवेयरनेस जनरेट करने पर काम करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चों के बहुत सवाल होते हैं लेकिन जवाब देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। स्कूल्स में भी पीरियड्स को लेके बहुत खुल के बातचीत कम होती है और घरों में भी बहुत कम होती है। पीरियड्स को लेके बहुत स्टिग्मा और बहुत साइलेंस है और नॉलेज कम है। तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हम काम करते हैं ताकि सबको, बच्चों को स्पेशली, पीरियड्स के बारे में, एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में सही और एक्यूरेट जानकारी मिल पाए, ताकि उनको गलत सोर्सेज से जाके जानकारी ना लेनी पड़े। तो हमारा काम अक्रॉस मैनी स्टेट्स इन इंडिया है और यहाँ पर सिक्किम में हम लोग थर्ड टाइम आ रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इस बार हमारे आने का जो मकसद है, दिस इज़ आर फर्स्ट एवर सिक्किम्स पीरियड फेस्ट एंड पैड यात्रा। इट्स अ वेरी यूनिक इवेंट। दिस इवेंट राइट नाउ इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट एंड अस सची सहेली। वेरी यूनिक इवेंट। इस यूनिक में एक्चुअली में हम ये एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है, एक्चुअली में गर्व की बात है, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे। तो पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, एक कॉन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि किसी भी बच्ची को पीरियड्स, किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को पीरियड्स को लेके कभी शर्म ना आए और कभी भी ये ना हो कि पीरियड्स उसकी लाइफ में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो। और हम इसमें बॉयज़ को भी इसीलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि अगर सोसाइटी में कोई चेंज लाना होता है तो हम लोग मिलकर ही चेंज ला सकते हैं। तो इस इवेंट में हम ये देखेंगे कि पीरियड फेस्ट यानी कि मेंस्ट्रुएशन थीम फेस्टिवल, एवरीथिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक थीम रहेगा पूरा इस इवेंट का, जहाँ पर हम लोग जो है ढेर सारी एक्टिविटीज़, ढेर सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, गेम्स जो होंगी हमारी पीरियड थीम की, गेम्स होंगी, स्टेज एक्टिविटीज़ होंगी और बहुत ही एक यूनिक एलिमेंट है पैड यात्रा। हमने पद यात्रा को पैड यात्रा बना दिया है। पैड यात्रा में हम एक बहुत ही पावरफुल मार्च जो है वो निकालते हैं। जो बच्चे होते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है पहुंचाते हैं सोसाइटी में कि हमें अब पीरियड्स को लेकर कोई शर्म नहीं है, वी कैन नॉर्मली टॉक अबाउट इट, देर इज़ नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ स्टिग्मा अबाउट इट। ये हमारा लगभग आई थिंक 9th या 10th पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा है। काफ़ी स्टेट्स में ये पहले हुआ है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर सिक्किम। वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव ऑल ऑफ दीज ब्यूटिफुल वाइब्रेंट स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो मिक्स विद सिक्किम्स कल्चर एंड हेरिटेज इन दिस इवेंट। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड होपफुली हमारा ये इवेंट बहुत ही अच्छा सक्सेस रहेगा और हम वो जो मैसेज पहुँचाना चाहते हैं सोसाइटी में हम वो अच्छे से पहुँचा पाएंगे। ये प्रोग्राम 5th February को जो पैड यात्रा है वो डेंजोंग सिनेमा से शुरू होगी 9:30 और वहाँ से जो हमारी ये मार्च है, जो ये रैली है, वो पहुँचेगी मनन केंद्र। मनन केंद्र में जो हमारे ढेर सारे स्टॉल्स होंगे, ढेर सारी और एक्टिविटीज़ होंगी, वो स्टार्ट होंगी वहीं पर ही अराउंड 10:15, 10:30, 11 o'clock से और अराउंड 1 o'clock ये जो इवेंट है ये ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअली सबसे ज़्यादा अच्छा और मेन रोल निभाते हैं। जैसे पैड यात्रा जो पूरी होगी वो स्टूडेंट्स के एंथुजियाज़म और स्टूडेंट्स के पूरी रहेगी। यहाँ पर बहुत ढेर सारे, वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 स्टूडेंट्स। तो जब सिक्किम सिटी में, गैंगटॉक सिटी में एक बहुत सारे बच्चे जब आएंगे तो काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा और स्टेज परफॉर्मेंसेज जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी उसमें अभी हम जब स्कूल्स में विज़िट करके आए थे तो हमें पता चला कि वो बहुत ही कल्चरल और सिक्किम की कल्चरल हेरिटेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, स्किट्स कर रहे हैं, पोएम्स कर रहे हैं। तो ये उनका पार्टिसिपेशन रहेगा।